Hi learners, this is Alisha Mahajan from an academy. Hope you are doing well. In this lecture video, I'll be covering balance of payment. दिखने में बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत आप इजी लगता है, लेकिन एक्चुअल में इसमें बहुत डीप डीप पॉइंट्स हैं और इन डीप डीप पॉइंट्स को मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट का हम करेंगे मीनिंग. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट का आम शब्दों में मीनिंग देखा जाए तो वो होता है वो सारी सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना. कौन सी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना? जो इंडियन रेजिडेंट्स ने करी है और फॉरेनर्स ने करी है विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर की सारी ट्रांजेक्शंस, जो सब कुछ हमने बेचा खरीदा किया उन सब को एक साल के अंदर अंदर का जो होता है वो पार्ट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का. ठीक है, ये मतलब क्लियर होने के बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है. इसमें भी हद से ज्यादा कंफ्यूजन है और मैं डीपली आपको इनके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाऊंगी. सो लेट गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं करंट अकाउंट से. ठीक है, ये कंपोनेंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट के. वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज करंट अकाउंट. सो देखिए करंट अकाउंट में हमारा क्या क्या आता है. एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, गुड्स का भी इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है ये. वेट अ सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर. गुड्स का भी और सर्विसेज का भी. गुड्स का भी सर्विसेज का भी, बच्चे ये भूल जाते पता नहीं यार किसमें विजिबल आइटम्स, किसमें गुड्स, किसमें सर्विसेज. सो फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है, करंट अकाउंट में हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट गुड्स का भी करते हैं एंड सर्विसेज का भी करते हैं. ठीक है, एंड दूसरा करंट ट्रांसफर, ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे. अभी पहले इन तीन कंपोनेंट्स को याद करो, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड करंट ट्रांसफर्स, करंट ट्रांसफर्स. ठीक है, हाँ ये बात अलग है, जो गुड्स का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है और सर्विसेज का इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है उसको अलग रखना है. ठीक है, उसको अलग रखेंगे हम. ठीक है, सो क्योंकि जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स होता है, देखिए ध्यान से, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स इज कॉल्ड विजिबल ट्रेड. इसे हम क्या बोलते हैं, लिख लीजिए, विजिबल ट्रेड. और एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट सर्विसेज को हम बोलते हैं इनविजिबल, टच नहीं कर सकते ना सर्विसेज को, इनविजिबल ट्रेड. ठीक है, अब रीजंस क्या है, वही हम देख सकते हैं बॉर्डर के थ्रू, लेकिन सर्विसेज को नहीं देख सकते. ये टेंजिबल होता है, टच कर सकते हैं, ये इनटेंजिबल होता है. ठीक है, इनटेंजिबल होता है. अब जो सर्विसेज होती है ना, सर्विसेज जो हम ये कर रहे हैं सर्विसेज, ये ना बहुत डीप में है, क्योंकि गुड्स का तो आपको पता ही है ये बेच दो वो बेच दो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू सर्विसेज ना ये एक डीप कॉन्सेप्ट है. ठीक है, इट मींस सर्विसेज आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. एक होता है फैक्टर सर्विस, एक होता है नॉन फैक्टर सर्विसेज. प्लीज राइट इट डाउन, वन इज फैक्टर सर्विसेज, अनदर इज नॉन फैक्टर सर्विसेज. फैक्टर सर्विसेज में क्या आ जाते हैं सारे हमारे, फैक्टर सर्विसेज में हमारी सारी की सारी वो सर्विसेज आ जाती है जो फैक्टर्स के साथ रिलेटेड होती हैं, रेंट वेजेस वगैरह के साथ रिलेटेड होती हैं, प्रॉफिट इंटरेस्ट इनके साथ. सो इनको अगर हमने की टर्म्स में डिफाइन करना हो तो सर्विसेज आपको इन्वेस्टमेंट करने पर जो इनकम आई है, कंपेंसेशन आपने एम्प्लॉयज को दी है, ये सारी आपका आ जाता है सर्विसेज में. और नॉन फैक्टर सर्विसेज में जो रेंट इंटरेस्ट वेजेस इन सब का पार्ट नहीं होता, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट वेजेस इनका पार्ट नहीं होता, फैक्टर्स यही होते हैं ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सो नॉन फैक्टर में क्या आ जाता है, बाकी की चीज़ें, शिपिंग कर ली, इंश्योरेंस कर ली, बैंकिंग कर ली, होटल कर लिया, होटल, ठीक है ना, इन सब की सर्विसेज. तो दीज आर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, एक फैक्टर सर्विसेज और एक नॉन फैक्टर सर्विसेज. उसके बाद हमारा क्या आता है, जो हमारा थर्ड कंपोनेंट है दैट इज करंट ट्रांसफर्स. करंट ट्रांसफर्स, सॉरी वेट अ सेकेंड, या
करंट ट्रांसफर्स क्या होता है, अब इसको समझेंगे। करंट ट्रांसफर सबसे पहले तो लिखो ट्रांसफर फॉर फ्री, ट्रांसफर फॉर फ्री, फ्री में ट्रांसफर करते हैं। क्यों ट्रांसफर करते हैं? यूनिलेटरल है, गिफ्ट बेचते हो, गिफ्ट का रीजन थोड़ी होता है, किसी को गिफ्ट भेजा आपने, ठीक है, हमें मत कहना मैम बर्थडे है, दैट्स अनदर थिंग, मतलब बदले में तो नहीं ना कुछ मिल रहा गिफ्ट के बदले में, अब ये मत कहना पार्टी मिल रही है, ठीक है। सो गिफ्ट हो जाते हैं और हमारे इसमें क्या आ जाते हैं, ग्रांट्स आ जाते हैं, और क्या आ जाता है, वर्कर्स रेमिटेंसेस आ जाते हैं, करते हैं ना बेसिक रेमिटेंसेस का क्या मतलब होता है, आप फॉरेन कंट्री में हो, आप अपने मम्मी पापा को जो कि इंडिया में बैठे हुए हैं उन्हें उन्हें पेमेंट अपनी दे रहे हो, अपना सैलरी दे रहे हो, वेजेस दे रहे हो, या कुछ भी गुड्स दे रहे हो, इससे सारा सारी हमें रेमिटेंस वर्ड आ जाए, गुड्स आ जाए, इससे सारे के सारे यूनिलेटरल ट्रांसफर होते हैं और उन्हें करंट ट्रांसफर का भी पार्ट माना जाता है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस, इससे हमारा जो ट्रांसफर्स होते हैं ये सब हमारे क्लियर हो जाते हैं, ये करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट में आते हैं, ठीक है। सो ये हमारा सर्विसेज की टाइप्स हो गई, और हमारा जब ये हमारा इन सबको हम डिफाइन कर लेते हैं कि करंट अकाउंट में क्या आता है, तब हमारे पास ये चीज दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आएगा डेफिसिट, व्यापार करते हुए ट्रेड बोलेंगे ना, या तो आएगा सरप्लस, एम स्टैंड्स फॉर इम्पोर्ट, एक्स स्टैंड फॉर एक्सपोर्ट, जब आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से ज्यादा है उसे हम बोलेंगे ट्रेड सरप्लस, और जब इम्पोर्ट ज्यादा है मतलब डेफिसिट में वो नुकसान है, ये नुकसान वाली सिचुएशन है, ये प्रॉफिट वाली सिचुएशन है, ठीक है ना। सो ये सब आपको याद रखना है, प्रॉफिट। तो बेसिकली ये हमारे पास जो हमने एस्टिमेशंस निकालने होते हैं ये उसका फर्स्ट पार्ट है, मतलब हमने जब करंट अकाउंट से रिगार्डिंग बैलेंस निकालना है तो उसमें पहला हेडिंग आप डालेंगे, सबसे पहले तो इसका हेडिंग ही डाल दीजिए कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस रिलेटेड टू करंट अकाउंट, कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस रिलेटेड टू करंट अकाउंट उसका पहला हेडिंग है ट्रेड बैलेंस, और ट्रेड बैलेंस का मैंने आपको बता दिया कैसे आएगा। सेकेंड बैलेंस हमारा है इसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस, इसमें का हेडिंग गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस, जब आप एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को और पेमेंट रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विस इसको प्लस कर लेते हो, आपको पता चल गया अब नॉन फैक्टर सर्विस और फैक्टर सर्विस कौन सी है, मैं नहीं बताऊंगी, नॉन फैक्टर में फिर बता देती हूँ, बैंकिंग इंश्योरेंस ये सब आ जाएगा। तो गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो और पेमेंट रिसीव कर रहे हो ये वाली नॉन फैक्टर सर्विसेज से, मतलब गुड्स का काम भी आ गया सर्विसेज का भी आ गया, वहां से पेमेंट रिसीव कर रहे हो, किसी को सर्विस दे रहे हो फॉरेन कंट्री में, तो आपको डॉलर्स में कमा रहे हो। सो ये सब को जो एक्सपोर्ट करा उसमें से जब हम माइनस कर देंगे जो हम गुड्स को इम्पोर्ट करते हैं और सर्विसेज को लेते हैं, तब हमारा आता है गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस। पहले हमने देखा ट्रेड बैलेंस और ट्रेड डेफिसिट, ठीक है, जब एक्सपोर्ट ज्यादा हो तो सरप्लस, जब इंपोर्ट ज्यादा हो तो डेफिसिट, उसके बाद हमने देखा गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस, ये सेकंड कंपोनेंट था। थर्ड कंपोनेंट है हमारे पास इनविजिबल बैलेंस, इनविजिबल बैलेंस, जब हम बैलेंस ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, नॉन फैक्टर पता लग गया ना, बैंकिंग इंश्योरेंस, उसमें से बैलेंस ऑफ इनकम दैट इज फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज भी आपको बताई थी कौन कौन सी होती है, इन्वेस्टमेंट इनकम, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, तो जब हम और साथ में करंट ट्रांसफर जो हम करते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर जो आपको बताया अभी, गिफ्ट्स दे रही है, ग्रांट्स दे रही है, डोनेशंस दे रही है, सो इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या आएगा, इनविजिबल वाला बैलेंस। पीछे करा गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस, फिर हमने करा ट्रेड बैलेंस, ये तीन कंपोनेंट्स करे, ठीक है। और हमारा चौथा हमारे पास जो बैलेंस आता है वो कौन सा होता है, करंट अकाउंट बैलेंस, जो हमने सबसे पहले ट्रेड बैलेंस निकाला था फर्स्ट वाला, राइट इट डाउन, फर्स्ट वाला, और इनविजिबल बैलेंस हमने थर्ड पॉइंट पर करा था। जब हम फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट को ऐड कर देते हैं तो हमारा ये फोर्थ पॉइंट मिलता है, दैट इज
करंट अकाउंट बैलेंस जब आप ट्रेड बैलेंस में इनविजिबल बैलेंस को ऐड कर देते हो, ठीक है ना। आप कहेंगे सेकंड वाला किधर गया, सेकंड वाला इनविजिबल में आ गया ना इस वजह से, तो इस तरीके से। तो बेसिकली ये हमारा क्या था, एवरीथिंग अबाउट करंट अकाउंट, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मैं कैपिटल अकाउंट बताऊंगी, फिर आपको बताऊंगी ऑटोनमस ट्रांजेक्शंस कौन सी होती हैं, एंड एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस कौन सी होती है, एंड कुछ डिफरेंसेस करवाऊंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।